ग्वालियर के क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पर बीसीसीआई ने पानी फेर दिया है। 14 जनवरी को ग्वालियर में होने वाला T20 मैच अब ग्वालियर की जगह इंदौर में खेला जाएगा। दरअसल ग्वालियर के शंकरपुर इलाके में नवनिर्मित स्टेडियम में भारत अफगानिस्तान के बीच T20 मैच खेला जाना था, जिसे लेकर MPCA और GDCA के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन बीसीसीआई की टीम के निरीक्षण के बाद स्टेडियम की पिच पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत महसूस की गई है, जिसके चलते बीसीसीआई ने ग्वालियर में होने वाले मैच को कैंसिल कर दिया है। वहीं GDCL के सचिव संजय आहूजा ने कहा कि ग्वालियर के सर्द मौसम में आई नमी और कोहरे के चलते मैच को रद्द किया गया है। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल कितना भयानक कोहरा था ग्वालियर के अंदर, के 11-12 बजे तक कोहरा दूर नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली वेदर कंडीशन इस समय जो अभी शुरुआत हुई है सर्दी की, तो उसको देखते हुए कि 14 जनवरी के आसपास और कंडीशन ख़राब ही होनी है, और ये मैच डे नाइट मैच था, शाम का मैच था, तो उसको देखते हुए कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, ओस भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो प्लेयर्स के इंजर्ड होने के डर रहता है, स्लिप करते हैं क्योंकि ग्राउंड गीला हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा उनने मैच तो बीसीसीआई ने कहा कि आप इन दोनों में ही कंडक्ट करिए, अगला कोई जो मैच होगा उसको ग्वालियर में जरूर कराएंगे।